हेलो दोस्तों, आप सब वॉरेन बफेट को तो जानते होंगे जो दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर और इन्वेस्टर है। इसी तरह इंडिया के भी एक ऐसे ट्रेडर है जिन्हें इंडियाज वॉरेन बफेट कहा जाता है। उनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। इन्हें इंडिया का बेस्ट ट्रेडर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सिर्फ 5,000 रुपये से शुरुआत की थी और आज उनके पास 31,300 करोड़ की संपत्ति है। तो चलिए इस वीडियो में राकेश झुनझुनवाला के बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। राकेश झुनझुनवाले का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद के मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। उनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और उसी के चलते उनका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। राकेश झुनझुनवाला ने अपने स्कूल की पढ़ाई मुंबई की एक प्राइवेट स्कूल से की और ग्रेजुएशन के लिए वे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई गए। अपना ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद उन्होंने CA की पढ़ाई शुरू कर दी और आगे चलकर वे इंडिया के सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। जब राकेश झुनझुनवाला 14 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को शेयर मार्केट के बारे में पूछा तो उनके पिता ने उन्हें डेली न्यूज़पेपर पढ़ने को कहा और डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से वे कंपनीज के बारे में डिटेल में जान गए और सन 1985 में उन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 रुपये का पहला इन्वेस्टमेंट किया और वहीं से उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और सन 1986 में उन्होंने अपना पहला सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाया जो था 5,00,000 रुपये का। और सन 1986 से लेकर 1989 तक उन्होंने 20 से 25 लाख तक का प्रॉफिट कमाया। राकेश झुनझुनवाला एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के अलावा एक फिल्म प्रोड्यूसर और रेयर एंटरप्राइज के ओनर भी है। रेयर एंटरप्राइज उनकी ऐसी फर्म है जहां वे खुद का और उनके इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मेंटेन रखते हैं। वे अपने पार्टनर्स मनु मानेक और राधा किशन दमाने के साथ मिलकर शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करते थे। शॉर्ट सेलिंग का मतलब यह है कि वे कभी भी और किसी भी कंपनीज के शेयर्स के दाम बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। उस समय में मनु मानेक को बुल मार्केट का किंग कहते थे। राकेश झुनझुनवाला ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वे राधा किशन दमानी को अपना गुरु मानते हैं क्योंकि उन्होंने शेयर मार्केट की यह टेक्निक्स उन्हीं से सीखी है और सन 1992 में उन्होंने राधा किशन दमानी के नेतृत्व में बहुत ही प्रॉफिट बनाया था। सन 2002 में उन्होंने टाइटन कंपनीज के 6 करोड़ शेयर्स खरीदे। तब उन शेयर्स की कीमत सिर्फ 3 रुपये थी और कुछ सालों के बाद जब उन शेयर्स की कीमत बढ़कर 390 रुपये हो गई तब राकेश झुनझुनवाला ने 2100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आपकी एक गलती के कारण आपको लॉस हो सकता है। इसी तरह सन 2004 में एक गलत फैसले के कारण उन्हें 700 करोड़ का लॉस हुआ है क्योंकि 2004 में उन्होंने कृषि लिमिटेड नामक कंपनी के 27 करोड़ के शेयर्स बेचकर मुंबई में एक घर खरीदा था और जब 2015 में उन्होंने उस घर को बेचा तो उन्हें 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर वे उस कंपनी के शेयर्स नहीं बेचते तो उन्हें 700 करोड़ का प्रॉफिट होता क्योंकि उन 27 करोड़ के शेयर्स की कीमत बढ़कर 2015 में 700 करोड़ हो गई थी। इसीलिए राकेश झुनझुनवाला कहते हैं बाय राइट एंड होल्ड टाइट। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार राकेश झुनझुनवाला ने अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट 4,750 करोड़ का टाइटन कंपनी में किया है। राकेश झुनझुनवाला की सालाना इनकम 460 करोड़ है। उसी के चलते वे भारत के टॉप 50 सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में आते हैं और उन्हें आज के समय में किंग ऑफ बुल मार्केट कहते हैं। हाल ही में 28 जनवरी 2020 में इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण राकेश झुनझुनवाला के ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई गई है। तो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला के बारे में जानकर यह सीख मिलती है कि सफलता की सीढ़ी में आपको कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप उन सबका डटकर मुकाबला करो तो आज नहीं तो कल आपको सफलता प्राप्त होनी ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल समथिंग न्यू को सब्सक्राइब कीजिए।